इस बीच बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पैसों के लेन देन को लेकर सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले, पैसों के लेन देन को लेकर हत्या की गई है। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके की यह घटना है। पेट्रोल पंप पर पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें हत्या कर दी गई है सेल्समैन की। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता रहे हैं, जहां पर जेवर थाना इलाके में सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा से अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता ललित पंडित जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। जी ललित, आपसे जानेंगे, खुलेआम जिस तरीके से दिन दहाड़े सेल्समैन की हत्या कर दी गई है, कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ पूरी तरह से खत्म होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये अभी जेवर थाना क्षेत्र जांगीपुर की घटना है, जहाँ पर पेट्रोल पंप पर कुछ पैसों के लेन देन के विवाद को लेकर के युवक जो बाइक सवार युवक थे, उन्होंने जो पेट्रोल पंप के सेल्समैन थे उनको गोली मार दी है। और गोली मारकर जो युवक थे वो फरार हो गए हैं, लेकिन वहीं पर जो सेल्समैन जिसको गोली लगी थी उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। अभी जैसा देखा जा रहा है कि इस तरह की वारदातें लगातार गए नोएडा में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो बदमाश है बदमाशों के बीच में जो पुलिस का खौफ है वो नहीं रहा है, और पुलिस कुछ भी इसमें कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है सामने। जी ललित, आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस क्या कदम उठा रही है? अभी जैसा पुलिस की तरफ से जो पेट्रोल पंप से सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरे से जो आरोपी है उसको आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है, लेकिन अभी तक उसकी जो जेवर थाना है वहां से टीम बनाई गई है जो आरोपी की गिरफ्तारी करने के लिए भेजी जाएगी। जी ललित, जानकारी देने के लिए धन्यवाद आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए लाइव टुडे के साथ।